हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आज की क्लास में स्वागत है। बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी लोगों का। आज हम लोग पढ़ेंगे, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वो है हड़प्पा सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता से अगर देखा जाए तो बिहार दारोगा के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं और हमेशा से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे बड़ी बात अगर हम लोग करें तो 17 जो दिसंबर का एग्ज़ाम का डेट जो संभावित जो बना हुआ है, एग्ज़ाम तो ले ही लेगा लेकिन आपके पास टाइम बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो लगभग 60-70 दिनों का टाइम है, तो उसी हिसाब से हम लोग एक टारगेट कर लेते, जो बहुत ही महत्वपूर्ण जो भी आपके पास टारगेट है उसको हम लोग कंप्लीट कर लें, ठीक है, ताकि कम से कम 80-85 प्लस में आप स्कोर करके आए। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं, हमारा ये सेकेंड क्लास हो जाता है। हम लोग पढ़ते हैं हड़प्पा सभ्यता। देखिए, अगर हम लोग बात करें तो 1921 के पहले हमारे भारत के लोगों को यहाँ तक ही पता नहीं था कि हम पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में हम एक बेहतरीन संस्कृति और सभ्यता में भी रहे हैं, ये नहीं पता था। क्योंकि बात ये थी कि आपकी सारी सभ्यताएं और जो सभ्यता थी वो मिट्टियों के अंदर दब चुकी थी, और इसको खोजने का काम किया गया 1921 में। याद रखिएगा, इसको खोजने का काम किया गया था 1921 में किया गया था। और 1921 की बात कर दिया जाए तो उस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का हमारे भारत में राज्य था। 1921 की अगर बात कर दिया जाए तो इसी समय महात्मा गांधी ने एक आंदोलन छेड़ चुकी थी जिसका नाम था असहयोग आंदोलन, ठीक है। और इसी समय एक तरफ ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ भारत के द्वारा एक आंदोलन छेड़े जा रहे थे, और दूसरी तरफ अगर बात किया जाए तो दयाराम सहनी के द्वारा एक दुनिया का सबसे विकसित अवस्था में और सबसे बेहतरीन सभ्यता की खोज हमारे भारत में किया गया, ठीक है। और 1921 में दयाराम सहनी, याद रखिएगा, दयाराम सहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की। अगर हम लोग बात करें तो हड़प्पा सभ्यता अपने नगर नियोजन और जल निकास प्रणाली के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है, प्रसिद्ध है। किसके लिए? तो याद रखिएगा, सबसे पहले नगर नियोजन के लिए, नगर नियोजन के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। और दूसरी बात अगर कर दिया जाए तो जल निकास प्रणाली जो है, जल निकासी जो पद्धति है, जो प्रणाली है, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा विशिष्ट स्थान रखता है, जो दुनिया के किसी भी सभ्यता और संस्कृति में नहीं पाया जाता। अगर उस सभ्यता संस्कृति समकालीन अगर बात कर दिया जाए, हड़प्पा सभ्यता से तब की मैं बात कर रहा हूं। यहां पे देखेंगे हड़प्पा सभ्यता का नाम अन्य नामों से भी जाना जाता है। जैसे हड़प्पा सभ्यता को आप चाहें तो सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी, सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता क्यों? क्योंकि ये जो सभ्यता पली बढ़ी, जो फली फूली, वो सिंधु नदियों, सरस्वती नदियों के किनारे ही बसा। दुनिया का जितना भी सभ्यता आप देखेंगे वो सारी की सारी सभ्यता किसी न किसी नदियों के किनारे ही फला फूला है। चाहे वो मेसोपोटामिया की सभ्यता को क्यों ना आप देख लें। अगर बात करें हम लोग की हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, तो ये भी तो समझ में आ रहा होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का नाम किसने रखा। तो याद रखिए, पूछा जा सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का नाम, हड़प्पा सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता किसने रखा, तो याद रखिएगा, ठीक है। याद रखिएगा, ये नाम आपका हो जाता है जॉन मार्शल ने, जॉन मार्शल ने ये नाम रखा, याद रहेगा। जॉन मार्शल ने हड़प्पा सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता रखा, ठीक है। थोड़ा सा और भी जान लेते हैं, इसको मिटा दे तो अच्छा रहेगा। हड़प्पा सभ्यता का नाम एक और भी नाम होता है जिसको हम लोग काश युगिन सभ्यता भी कहते हैं। यानी अगर कह सके तो काश्य हड़प्पा के लोगों ने काश्य बनाना सीख लिया था।
और काश्य की अगर बात करें तो पूरी दुनिया को काश्य की तकनीक सिखाने वाला हड़प्पा सभ्यता के लोग ही हैं। और यही वजह था कि काश्य बनाने की कला इनके पास थी, जिसके वजह से इस सभ्यता को काश्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। बात करें तो काशा का निर्माण कैसे होता है, जिसको ब्रॉन्ज बोलते हैं, तो देखिएगा इसमें तांबा और टीन, टीन को मिलाई जाती है। ये जो धातु है तांबा और टीन, जो धातु है दोनों को मिला करके काशा का निर्माण किया जाता है। इतनी अच्छी कला दुनिया के किसी भी सभ्यताओं में नहीं मिलता है, जो सभ्यता हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने सीखा था। अगर हम लोग बात करें आज के वर्तमान समय की बात करें, तो हम लोग देखेंगे कि ऐसी जो नगर नियोजन की प्रणाली जो दिखता है, आप जाएंगे कहीं संघाई जैसे या बहुत ही हाई क्लास का जो शहर है उससे भी आपका मेल खाता है। यहाँ पे जो नगर नियोजन की बात कर रहे थे हम लोग, वो समझिए कि आप यूपीएससी पढ़ेंगे या बीपीएससी पढ़ेंगे तो उसमें आपको नगर नियोजन की विशेषता पढ़ने को मिलता है। हम लोग इतना नहीं पढ़ने वाले हैं, हम लोग फैक्ट पढ़ेंगे, ठीक है। तो नगर नियोजन की विशेषता इसमें मतलब पढ़ा जाता है और बहुत ही बेहतरीन है। और हड़प्पा सभ्यता की अगर बात कर दिया जाए तो नगर नियोजन, नगर जो जल निकास प्रणाली है इसके लिए प्रसिद्ध है, जो दुनिया के किसी भी सभ्यता और संस्कृति में देखने को नहीं मिलता, ठीक है। तो याद रखिएगा हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम शहनी ने किया था, ठीक है। दयाराम शहनी ने किया था, कब किया था, तो 1921 में इसका खोज किया था, याद रखिएगा। अगर पूछा जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, काश्य युगीन सभ्यता में उपयुक्त नाम बताइए, उपयुक्त नाम कौन सा हो जाएगा, पूछा जा सकता है, तो आप बताइएगा हड़प्पा सभ्यता हो गया, क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा नामक एक जगह था, जो स्थान था, जिसकी खोज दयाराम शहनी ने किया था, उसी के नाम पर इस सभ्यता का नाम क्या हो गया, हड़प्पा सभ्यता रख दिया गया, ठीक है। चलिए थोड़ा सा इसके और चीज़ पे हम लोग बात कर लेते हैं। अगर हम लोग बात करें हड़प्पा सभ्यता की, तो लगभग देखिए यहाँ इसकी जानकारी का स्रोत हमारे पास कुछ लिखित साक्ष्य नहीं है, हालांकि लिपि मिली है लेकिन अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, जिसकी वजह से हम प्रमाण तौर पे ये नहीं कह सकते कि इसकी जनसंख्या इतना ही है, लेकिन अनुमान लगाया जा सकता है, ठीक है। तो बात करें हम लोग तो यहाँ पे लगभग अगर जनसंख्या की बात कर दिया जाए, जनसंख्या की बात मोटा मोटी चीज़ जान लीजिए उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं। मोटा मोटी अगर बात किया जाए तो हड़प्पा सभ्यता की जनसंख्या लगभग 40 लाख रही होगी, कितना, तो 40 लाख, ठीक है, 40 लाख हो जाता है। अगर बात कर ले हम लोग क्षेत्रफल का, तो हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल कितना होता है, तो देखिए हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल की अगर बात कर ली जाए तो लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर होता है, लेकिन अगर एनसीईआरटी की अगर बात करेंगे तो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर होता है, ठीक है। तो क्षेत्रफल देखेंगे हम लोग, क्षेत्रफल अगर हम लोग देखेंगे तो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर होता है, इसको याद रखिए। लगभग कितना, तो लगभग अगर बात कर दिया जाए तो 13 लाख वर्ग किलोमीटर हो जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। अगर बात हो कि इसका आकार कैसा था, पूछा जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता का आकार कैसा है, जैसे अब भारत का जब आप मैप देखते होंगे तो आपके दिमाग में चलता होगा कि भारत का आकार कैसा है, ठीक, तो चतुष्कोणीय हो जाता है, चतुर्भुजाकार आप बोल सकते हैं। तो उसी तरह अगर हम लोग हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता का आकार जो है पूछा जा सकता है कि कैसा है, तो ये देखिए त्रिभुजाकार होता है, याद रखिएगा, ठीक है, इसका आकार त्रिभुजाकार होता है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। हम लोगों ने बात किया हड़प्पा सभ्यता का, तो हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो जनसंख्या लगभग 40 लाख थी। अगर हम लोग क्षेत्रफल की बात करें 12,99,600 वर्ग किलोमीटर हो जाता है, लगभग 13 लाख हो जाता है। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे आकार का, तो ये त्रिभुजाकार हो जाता है। अगर हम लोग बात करें कि हड़प्पा सभ्यता किन किन देशों में फैले हुई थी, कि यहाँ तक विस्तार था, क्योंकि आप देख लीजिए
इसका क्षेत्रफल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर होता है, तो सोच के देखिए इसका आकार ये कितने देशों में फैला होगा। अगर हम लोग देश की बात करें तो ये 3 देशों में फैला हुआ है वर्तमान में अगर देखा जाए तो। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे वो हो जाता है भारत, और भारत के बाद देखेंगे हम लोग तो ये हो जाता है पाकिस्तान, और उसके बाद देखेंगे हम लोग ये अफगानिस्तान। ठीक है, इन 3 देशों में इसका विस्तार देखने को मिलता है। ठीक है, देख लीजिए, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में इन 3 जो 2 देश है वहाँ पे इसका विस्तार देखने को मिलता है। ठीक है, याद रखिएगा एकदम। तो हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले हम लोगों ने हड़प्पा सभ्यता का जो नामकरण था, जो जॉन मॉर्सल ने क्या नाम रखा था, तो सिंधु घाटी सभ्यता रखा। अगर इन सारे नामों में उपयुक्त नाम अगर पूछ दे तो हड़प्पा सभ्यता हो जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। एक चीज़ हम लोग देख लेते हैं, पहले काल निर्धारण की बात करें। देखिए, काल निर्धारण की अगर बात किया जाए तो बहुत सारे इतिहासकारों ने अपना अलग अलग मत दिया है। ठीक है, लेकिन हम लोग महत्वपूर्ण जो तथ्य है, महत्वपूर्ण जो जो डेट है उस पर हम लोग बात करेंगे, जहाँ से प्रश्न आते हैं। जैसे में अगर देखा जाए तो डीपी अग्रवाल ने अगर बात करें हम लोग यहाँ पे, तो देखिएगा 2350 से लेकर के, ठीक है, 1750 बीसी तक जो डेट का निर्धारण किया गया और कहा गया कि हड़प्पा सभ्यता का जो काल है 2350 से लेकर के 1720 तक ही काल है, और ये पूछा जाता है जो सबसे सटीक इन्होंने ये बताई थी। ठीक है, और ये बात डीपी अग्रवाल ने कहा था। ठीक है, याद रखिए, डीपी अग्रवाल ने कहा कि हड़प्पा सभ्यता का जो काल है वो 2350 से लेकर के 1750 बीसी तक है। ठीक है, याद रखिएगा। और एक चीज़ और भी बताते हैं यहाँ पे, रेडियो कार्बन तिथि की अगर बात कर दिया जाए, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2350 से लेकर के 1750 जो बीसी है ये रेडियो कार्बन तिथि का डेट है, जो बहुत ही सटीक माना जाता है। ठीक है, कौन सा, तो रेडियो कार्बन तिथि जो है, कार्बन तिथि ये बहुत ही सटीक है, इसे याद रखिएगा। अगर पूछ दिया जाए कि हड़प्पा सभ्यता का काल बताइए, समय बताइए कब से कब तक है, तो 2350 बीसी से लेकर के 1750 बीसी तक है, और ये रेडियो कार्बन तिथि भी कहता है। अगर बात कर दें हम लोग यहाँ पे कि रेडियो कार्बन तिथि जो तकनीक थी, इसकी खोज किसने किया था, ठीक है, इसकी खोज किसने किया था, तो याद रखिएगा इसकी खोज 1949 में हुआ था, ब्लड लीवी के द्वारा हुआ था। ठीक है, किसके द्वारा, तो देखिए ये ब्लड लीबी के द्वारा, लीबी के द्वारा इसका खोज किया गया था, किसका, रेडियो कार्बन तिथि का। और ये खोज कब हुआ, 1949 में किया गया, ब्लड लीबी के द्वारा रेडियो कार्बन तिथि का। और रेडियो कार्बन तिथि जो है, जिसमें कार्बन की मात्रा होती है उसका एज बता देता है, कितना वर्ष पुराना होगा, कितने साल का है। ठीक है, तो ये देखिएगा 2350 से लेकर के 1750 जो बीसी है, रेडियो कार्बन तिथि भी बताया। और डीपी अग्रवाल साहब की अगर बात करें तो 2350 से लेकर के आप देखेंगे 1750 बीसी हो जाता है। ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट है जो पूछा जाता है, वो आपका हो जाता है 2800 बीसी से लेकर के हम लोग देखेंगे तो 2500 बीसी जो है ये हमको देखने को मिलता है। और ये जो तिथि जो जिन्होंने बताया उनके बारे में देखिए प्रश्न पूछा जाता है, इसे याद रखिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है। कितना, 2800 बीसी से लेकर के 2500 बीसी भी बताया गया, और इन्होंने ये कहा था कि मात्र 300 वर्षों तक ही हड़प्पा सभ्यता क्या हुई थी, फली फूली थी, मात्र कितने सालों तक, 300 वर्षों तक। तो आप देख सकते हैं 2500 से 2800। ठीक है, पूछा जाता है कि बताइए कौन ऐसा इतिहासकार है जिसने ये कहा कि हड़प्पा सभ्यता मात्र 300 वर्षों तक ही फली फूली।
ठीक है, तो याद रखिएगा ये आपका नाम हो जाता है, इसको मिटा दिया जाए, ये नाम आपका हो जाता है मैके साहब ने दिया था, ठीक है, याद रखिएगा मैके साहब ने दिया था, जो इतिहासकार है मैके, उन्होंने ही ये डेट दिया था, ठीक है। और मैके ने कहा कि 2800 से लेकर के 2500 बीसी तक हड़प्पा सभ्यता का काल आता है, और उन्होंने कहा कि मात्र कितने सालों तक, तो 300 वर्षों तक ही हड़प्पा सभ्यता अपने काल में फली और फूली। एक और भी प्रश्न आता है, पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है, अगला पेज लेते हैं। पूछा जाता है आपसे कि सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का सबसे निम्न जो काल है, किसने इसका नामकरण किया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, अगर इनकी बात अगर कर दिया जाए तो देखिएगा, ये नाम होते हैं जॉन मार्शल का, जॉन मार्शल का नाम रहता है। अगर यहाँ पे हम लोग बात करें तो देखिएगा 3250 से, यहाँ पे हम लोग इनका देखेंगे 3250 से लेकर के 2750 बीसी तक ये बताते हैं, ठीक है। और ये बोलते हैं कि सिंधु सभ्यता की सबसे निम्न सीमा थी। देखिए निम्न सीमा का मतलब कहते हैं, जैसे माना जाए कि कभी कभी आपसे पूछा जा सकता है कि आपका निम्न सीमा बताइए, तो क्या हो जाएगा, जिस दिन आपका जन्म हुआ उस समय वो आपका निम्न होता है, ठीक है। और जब आप जवान बड़े हो जाते हैं, वो आपका ऊँच होने लगता है, तो सबसे निम्न की बात किया गया है, तो 3250 से 2750 आपका बीसी हो जाता है, जो ये नाम किसने रखा, जॉन मार्शल ने रखा, ठीक है। देखिए एक चीज़ हम लोग और पढ़ेंगे, आपको बताते हैं, सबसे बड़ी बात यह है, जैसे में देखेंगे हड़प्पा हम लोग स्थल की अगर बात करें यहाँ पे, तो देखिएगा हड़प्पा अगर स्थल की बात करें, जहाँ से प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, हम लोग वहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिएगा सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो मोहनजोदड़ो पढ़ेंगे, मोहनजोदड़ो जहाँ से सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, और मोहनजोदड़ो के बाद अगर बात करें हम लोग, देखिए इसमें 7 स्थल है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और 7 स्थल से बार बार सवाल पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में, ठीक है। तो मोहनजोदड़ो के बाद हम लोग पढ़ेंगे हड़प्पा, ठीक है, उसके बाद हम लोग हड़प्पा पढ़ेंगे, और हड़प्पा के बाद अगर बात करें यहाँ पे, तो हड़प्पा के बाद देखिएगा यहाँ पे हम लोग कालीबंगा पढ़ेंगे, ठीक है, कालीबंगा पढ़ेंगे, और कालीबंगा के बाद अगर बात करें हम लोग, तो देखिए चन्हुदड़ो पढ़ेंगे, ठीक है, चन्हुदड़ो पढ़ेंगे, और चन्हुदड़ो के बाद अगर देखें तो धौलावीरा पढ़ेंगे, ठीक है, धौलावीरा के बाद देखिए कालीबंगा हम लोग पढ़ेंगे, कालीबंगा हमने लिख दिया, बनावली हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लोथल। याद रखिए यहाँ से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, और हम बारी बारी से आपको सारा का सारा फैक्ट जो है हम आपको लिखा देंगे, ठीक है, जहाँ से सवाल निश्चित तौर पे पूछे ही जाते हैं। तो हम लोग देखें हड़प्पा सभ्यता में हम लोग नामकरण देख लिया, उसके बाद काल निर्धारण की जो बात थी, काल निर्धारण भी हम लोगों ने देखा, और हम लोगों को पढ़ना है ये सारा जो साइट है उसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। थोड़ा सा और भी थोड़ा सा जान लेते हैं, जैसे देखिए कभी कभी सवाल पूछा जाता है आपसे, कभी कभी सवाल पूछा जाता है, जैसे मानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता आपने पढ़ा, तो ये देखिए आपका हो जाता है पूर्वी हो जाएगा, और ये हो जाता है आपका पश्चिमी हो जाएगा, ये आपका उत्तरी हो जाएगा, और ये आपका दक्षिणी हो जाएगा, ठीक है। कभी एरिया पूछा जाता है, सेंट्रल यानी कि जो बिंदु है उसके बारे में पूछा जाता है। तो अगर बात करें हम लोग, तो हड़प्पा सभ्यता की अगर बात कर दें, तो सर्वाधिक पश्चिमी जो पुरास्थल जो है, पश्चिमी पुरास्थल देखिएगा, तो पश्चिमी पुरास्थल को देखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपको सुतकांगेडोर हो जाएगा, ठीक है, सुतकांगेडोर हो जाएगा, याद रखिएगा पूछा जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता का पश्चिमी छोर बताइए कौन सा हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, सुतकांगेडोर हो जाता है आपका पश्चिमी क्षेत्र, सुतकांगेडोर अगर बात करिए तो आपको बलूचिस्तान में पड़ता है, कहाँ पे, तो ये देखिए बलूचिस्तान में पड़ता है, याद रखिए बलूचिस्तान हो जाएगा। अगर हम लोग पूर्वी पुरास्थल की अगर बात करें, पूर्वी पुरास्थल की, जैसे पूर्वी वाला क्षेत्र, तो ये हो जाएगा आपका आलमगीरपुर हो जाएगा, ठीक है,
आलमगीरपुर हो जाता है, याद रखिएगा, पूछा जाता है। अगर हम लोग उत्तरी छोर की अगर बात करें तो उत्तरी में क्या हो जाएगा, देखिएगा, ये हो जाता है पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण हो जाता है, तो याद रखिएगा। अगर हम लोग उत्तरी की बात करें तो जम्मू की अगर बात कर लिया जाए तो यहाँ पे मांडा हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाता है, मांडा हो जाएगा, जो आपको जम्मू में है। अगर हम लोग दक्षिण की बात करें तो ये आपका हो जाता है दायमाबाद, ठीक है, दायमाबाद हो जाता है, इतना तो याद रहेगा। बस एक मैप देख लीजिए, अगर पूछा जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता, पूछा जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता का पश्चिमी जो मतलब जो स्थल है उसका नाम बताइए, तो पश्चिमी स्थल सुतकांगेडोर हो जाता है, और पूर्वी स्थल की बात कर दिया जाए तो आपका आलमगीरपुर हो जाएगा, और उत्तरी अगर स्थल की बात करें तो मांडा हो जाता है, और दक्षिणी की अगर बात कर दे तो ये क्या हो जाएगा, दायमाबाद हो जाएगा, इतना याद रखिएगा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं एक और भी नाम हो जाता है, यहाँ पे आप लोग लिख भी सकते हैं, लिखते जाएंगे तो ज़्यादा फायदा हो जाएगा और बहुत ही जल्दी जल्दी इसका मतलब ये हो जाता है, ठीक है। एक और नाम भी देखते हैं यहाँ पे, आप इसको नोट करते जाइए। देखिए स्टुअर्ट पिगट महोदय ने, स्टुअर्ट पिगट महोदय ने देख लीजिए, अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे तो स्टुअर्ट पिगट महोदय ने, ठीक है, हड़प्पा मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी कहा, याद रखिएगा। स्टुअर्ट पिगट महोदय ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी कहा था, ठीक है, जुड़वा राजधानी कहा किसने, स्टुअर्ट पिगट महोदय ने, याद रखिएगा, ठीक है। इसने कहा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो क्या है, यह जुड़वा राजधानी है, ठीक है, याद रखिएगा। अगर यहाँ पे हम लोग बात करें तो लगभग, अगर लगभग हम लोग बात करें तो 300 लगभग 350 से अधिक 350 से अधिक स्थलों की खोज हुई थी, जिसमें लगभग 200 से कहीं ज़्यादा स्थलों की अगर बात करें तो हमारे भारत गुजरात में मिला है, याद रखिएगा। लगभग 350 स्थलों की खोज हुई थी, जिसमें सबसे ज़्यादा अगर स्थलों की बात करें लगभग 200 से अधिक, तो ये आपको गुजरात में पड़ता है, इतना याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग इम्पॉर्टेंट फैक्ट पे बात करते हैं, जो बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है हमारा, इतना जो है मोटा मोटी एक मतलब कहा जाए कि परिचय के रूप में हम लोग थोड़ा सा हड़प्पा सभ्यता को देख सकते हैं। अब जो है जहाँ से सवाल पूछे जाते हैं, जो इम्पोर्टेंट है, वहाँ पे हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, और वो हो जाता है हमारा, आप लोग लिख लीजिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। सबसे पहले तो स्थल देखेंगे हम लोग यहाँ पे, और स्थल के बाद हम लोग नदी देखेंगे, और नदी के बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे, अगर उत्खनन वर्ष की अगर देखेंगे तो उत्खनन वर्ष हमारा हो जाता है, ठीक है। और ये भी हो सकता है हम लोग का उत्खननकर्ता कौन है, उत्खननकर्ता की अगर बात करें तो ये हम लोग देख लेंगे, और बात ये यहाँ पे स्थिति की अगर देखेंगे तो स्थिति भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, स्थिति जो है ये भी हम लोग देख लेंगे। तो सबसे पहला, अगर हम लोग पहला की अगर बात करें तो यहाँ से जितने भी हम आपको करा रहे हैं इसको याद कर लीजिएगा और बार बार रिवाइज करिए, क्योंकि यहीं से सवाल पूछे जाते हैं। सबसे पहला हम लोग करते हैं वो है हम लोग का हड़प्पा। तो हड़प्पा स्थल है, पूछा जाता है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे है, ठीक है। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे तो हड़प्पा किस नदी के किनारे है, ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए हड़प्पा किस नदी के किनारे है, तो कौन सा नदी हो जाएगा, याद रखिए हड़प्पा रावी नदी के किनारे है, कौन सा, तो रावी नदी के किनारे हो जाता है, ठीक है, ये पूछा जाता है। पूछा जाएगा कि इसका खोज, हड़प्पा का खोज कब किया गया था, तो याद रखिए ये 1921 में होता है, ठीक है, कब होता है, तो 1921 में होता है। पूछा जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता जो है, हड़प्पा सभ्यता इसका खोज किसने किया था, तो याद रखिए ये दयाराम सहनी होते हैं, ठीक है, दयाराम कौन होते हैं, सहनी होते हैं, इन्होंने ही इसे खोजा था, ठीक है।
हड़प्पा रावी नदी के किनारे हैं। इसका खोज आपको 1921 में हुआ। खोजा किसने? तो दयाराम सहनी ने खोजा। अगर हम लोग स्थिति की बात करें तो देखिएगा, यह आपको पाकिस्तान में है। अगर हम लोग बात करें तो ये आपको पाकिस्तान में है, मॉन्टगोमरी ज़िला है, वहीं पे आपको पड़ेगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो है, आपको कम से कम ये सारा चीज़ें याद रखना होगा ताकि आपसे प्रश्न बन जाए। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि हड़प्पा किस नदी के किनारे है, तो रावी नदी। देखिए पूछता है बार बार, हड़प्पा को किसने खोजा, कब खोजा और किस नदी के किनारे है। बार बार किस नदी के किनारे है ये सवाल पूछा जाता है। हड़प्पा किस नदी के किनारे है, तो रावी नदी के किनारे हो जाएगा, इसे याद रखिएगा। ठीक है, और ये क्षेत्र आपको पाकिस्तान हो जाता है। दूसरा की हम लोग बात करते हैं, वो हो जाता है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है पूछा जा सकता है आपसे। मोहनजोदड़ो जो है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका सिंधु नदी के किनारे हो जाता है। ठीक है, सिंधु नदी के किनारे हो जाता है। पूछा जा सकता है कि इसकी खोज कब हुई थी, तो याद रखिएगा 1922 में इसका खोज किया गया था। मोहनजोदड़ो का खोज 1922 में किया जाता है। ठीक है, पूछा जा सकता है कि इसका खोज किसने किया था, किसका, मोहनजोदड़ो का, तो आरडी बनर्जी होते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, ये आरडी बनर्जी होते हैं, उन्होंने ही इसे खोजा था। किसने? तो आरडी बनर्जी ने इसको खोजा था। ठीक है, और ये कहाँ पे है पूछा जा सकता है, तो सिंध के क्षेत्र में है, और ये भी आपको पाकिस्तान के क्षेत्र में ही पड़ेगा। पूछा जा सकता है आपसे कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया था, तो आर डी बनर्जी हो जाते हैं। कब खोजा गया, तो ये 1922 हो जाएगा। और पूछा जा सकता है कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा है, तो ये आपका सिंधु नदी हो जाता है। इसकी अगर अवस्थिति के बारे में बात करें तो यह पाकिस्तान के क्षेत्र में आपको पड़ेगा। ठीक है, कहाँ पे? तो पाकिस्तान का क्षेत्र पड़ेगा। अगर बात करें तो सिंध के लरकाना जो ज़िला है उसी के क्षेत्र में ये पड़ता है। अगला जो है आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, अगर हम लोग तीस्ता की अगर बात करें यहाँ पे, तो ये हो जाता है आपका सुतकांगेडोर। ठीक है, तीसरा हम लोग देखेंगे वो हो जाता है सुतकांगेडोर होता है, सुतकांगेडोर हो जाता है। ठीक है, देखिए सबको क्या करिए कि एक ऐसे भी नोट्स बनाते चलिएगा तो आपको ज़्यादा फायदा हो जाता है। तो सुतकांगेडोर की अगर बात करें यहाँ पे, तो ये देखिएगा, ये दास्क नदी के किनारे है। ठीक है, पूछा जाता है किस नदी के किनारे है, तो याद रखिए ये दास्क नदी के किनारे है सुतकांगेडोर। और इसकी खोज कब हुआ था, तो 1927 में हुआ था, याद रखिएगा। सुतकांगेडोर का खोज कब हुआ था, 1927 में हुआ था, और आर एन स्टाइन ने इसका खोज किया। आर एन स्टाइन ने इसका खोज किया था। ठीक है, सुतकांगेडोर कहाँ पे है, सुतकांगेडोर देखिएगा, ये आपको दास्क नदी के किनारे हो जाता है, याद रखिएगा। कौन सा? तो दास्क नदी के किनारे हो जाएगा। ठीक है, और ये कब खोजा गया, तो 1927 में खोजा गया, और इसको खोजने वाला कौन था, तो आर एन स्टाइन हो जाते हैं। और ये भी आपको कहाँ पे हो जाएगा, ये सुतकांगेडोर की बात करें तो ये भी बलूचिस्तान का क्षेत्र होता है पाकिस्तान में। ठीक है, ये हो जाता है, याद रखिएगा। तो हम लोग हड़प्पा पड़े जो रावी नदी के किनारे है, 1921 में इसका खोज किया गया था दयाराम सहनी के द्वारा, जो पाकिस्तान के क्षेत्र में है। अगर हम लोग बात करें मोहनजोदड़ो की, तो मोहनजोदड़ो का जो मतलब सिंधु नदी के किनारे है, याद रखिए बहुत बार प्रश्न पूछा गया, इसका खोज 1922 में होता है, और आर डी बनर्जी के द्वारा किया जाता है। अगर क्षेत्र की बात करें तो ये भी पाकिस्तान में पड़ेगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं सुतकांगेडोर का। सुतकांगेडोर आपको दास्क नदी के किनारे हो जाता है, और 1927 में इसको खोजा गया, और इसको खोजा गया आर एन स्टाइन के द्वारा खोजा गया। अगर वर्तमान में हम बात करें तो ये पाकिस्तान के क्षेत्र में पड़ता है। ठीक है, सुतकांगेडोर हम लोगों ने किया, अगला देखते हैं। अगला देखिएगा, अगला आपका हो जाता है चन्हुदड़ो। ठीक है, क्या हो जाता है, चन्हुदड़ो हो जाता है, याद रखिएगा। अगर चन्हुदड़ो की बात करें यहाँ पे, तो पूछा जाता है किस नदी की ये, किस नदी के किनारे है, और ये चन्हुदड़ो के बारे में लगभग पीसीएस ने बहुत बार सवाल पूछा। पूछा जाएगा कि चन्हुदड़ो जो है किस नदी के किनारे है, तो याद रखिए ये चन्हुदड़ो आपको सिंध नदी के किनारे हो जाता है। ठीक है, कौन सा नदी हो जाता है, तो चन्हुदड़ो सिंध नदी के किनारे हो जाएगा। ठीक है, अगर बात करें हम लोग, तो देखिए इसका
खोज 1931 में हुआ था, 1931 में हुआ था, और इसका खोज हुआ था मजुमदार साहब ने किया था, याद रखिएगा, ठीक है। ये मजुमदार साहब ने किया था, ठीक है, एम जी मजुमदार बोल सकते हैं, एम जी मजुमदार द्वारा किया गया था। देखिए चन्हुदड़ो से जो भी साइट में जहाँ जहाँ चीज़ मिलेगा हम बाद में आपको कराएंगे, जहाँ से सवाल पूछे जाते हैं अलग अलग करके, ताकि अच्छा भी लगे। जो फैक्ट अभी है उसको अभी पढ़िए, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें तो चन्हुदड़ो पूछा जाता है किस नदी के किनारे है, तो सिंध नदी के किनारे हो जाएगा। और इसका खोज कब किया गया था, 1931 में किया जाता है। और अगर बात करें हम लोग किसने खोजा, तो देखिएगा इसका खोज जो है वो मजुमदार साहब ने किया था। किसने किया था, तो याद रखिए मजुमदार साहब ने किया था। और इसकी भी बात करें तो ये भी आपको सिंध के क्षेत्र में ही है, और सिंध कहाँ पे है, तो पाकिस्तान का क्षेत्र हो जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। पूछा जाता है आपसे कि चन्हुदड़ो की खोज किसने किया, तो ये मजुमदार साहब हो जाएंगे। कब किया गया, 1931 में किया गया। चन्हुदड़ो किस नदी किनारे है, तो ये सिंधु नदी हो जाएगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं रंगपुर का, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं रंगपुर का, और रंगपुर की बात करें तो ये मादर नदी के किनारे है, ठीक है। रंगपुर के बारे में पूछा जाता है कि रंगपुर जो है किस नदी के किनारे हो जाता है, तो याद रखिए ये हो जाता है आपको मादर नदी के किनारे। इसकी खोज 1953 में किया गया था। इसकी खोज 1953 में किया गया था, याद रखिएगा। और ये माधो स्वरूप वत्स ने किया था इसका खोज, किसने, तो माधो स्वरूप वत्स ने इसका खोज किया था, याद रखिएगा। ये जो रंगपुर हो जाता है आपका, रंगपुर की बात करें तो रंगपुर आपको मादर नदी के किनारे हो जाएगा, और 1953 में इसको खोज किया जाता है रंगपुर। अगर हम लोग बात करें तो माधव स्वरूप वत्स ने इसका खोज किया था, और इसका खोज आपको कहाँ पे होता है, भारत में होता है, ठीक है। और ये बात करें हम लोग तो अहमदाबाद जो है काठियावाड़ा का क्षेत्र, अहमदाबाद का जो क्षेत्र होता है जो भारत में है, काठियावाड़ा का क्षेत्र है। कभी कभी पूछा जाता है, कभी कभी नहीं भी पूछा जाता है, लेकिन हम लिखा देते हैं ताकि आपको आपके दिमाग में रहेगा, ठीक है। और ये जो साइट हो जाता है ये आपका भारत का साइट होता है, ठीक है। तो रंगपुर हो जाएगा। अगर तीसरा हम लोग बात करें वो हो जाता है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वो हो जाएगा हम लोग का कोटदीजी, ठीक है। वो क्या हो जाता है, कोटदीजी हो जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, क्या हो जाता है, कोटदीजी हो जाता है। और कोटदीजी की अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए कोटदीजी जो है ये सिंधु नदी के किनारे है, ठीक है। ये सारा चीज़ें याद रखिएगा, कोटदीजी की अगर बात करें तो सिंधु नदी के किनारे हो जाता है। और इसकी खोज 1935 में किया गया, 1935 में खोज किया गया था, ठीक है, कोटदीजी का। और किसने किया था, धुरमे, एक इतिहास मतलब जो उत्खनन करता थे उसी ने किया था, धुरमे ने किया था, ठीक है। कोटदीजी आपका हो जाता है, अगर बात करें यहाँ पे कोटदीजी, तो ये आपको सिंधु नदी के किनारे हो जाएगा। 1935 में इसको खोजा जाता है, और किसके द्वारा, तो धुरमे के द्वारा हो जाता है। और ये भी आपका क्षेत्र कहाँ पे हो जाएगा, तो पाकिस्तान का क्षेत्र हो जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। ये आपका कोटदीजी हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, वो हो जाता है आपका रोपड़ का, ये रोपड़ हो जाता है, ठीक है। अगर रोपड़ की हम लोग बात करें तो रोपड़ देखिएगा ये आपको सतलज नदी के किनारे है, ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया, याद रखिएगा ये सतलज नदी के किनारे है, ठीक है। कौन सा, तो रोपड़ आपको सतलज नदी के किनारे है। इसका खोज 1953 में किया गया था, ठीक है। इसका खोज कब किया गया था, अगर खोज की हम लोग बात करें तो इसका खोज 1953 में किया गया था, किसका, तो रोपड़ की बात यहाँ पे चल रही है। और वाईडी शर्मा ने इसको खोजा था, किसने खोजा था, तो वाईडी शर्मा ने इसको खोजा था, याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है कि रोपड़ किस नदी के किनारे है, तो ये सतलज नदी के किनारे हो जाता है। पूछा जा सकता है कि कब इसको खोजा गया, तो 1953 में खोजा गया। पूछा जा सकता है कि किसने खोजा, तो वाईडी शर्मा ने खोजा। अगर बात कर ले हम लोग यहाँ पे रोपड़ की, तो रोपड़ की अगर बात करें हम लोग यहाँ पे, तो देखिएगा ये आपको पंजाब में पड़ता है, कहाँ पे, तो पंजाब में पड़ता है जो भारत में है, ठीक है, भारत में है, ठीक है, इतना याद रहेगा।
नेक्स्ट अनुवाद करते हैं, ये बहुत सब इम्पोर्टेंट हो जाता है, बहुत बार पूछा हुआ है। नेक्स्ट अनुवाद करते हैं कालीबंगा का, जो बार बार पूछा गया, बीपीएस में बहुत बार प्रश्न पूछा गया। अगला हम लोग करते हैं वो हो जाएगा हम लोग का कालीबंगा, ठीक है, याद रखिएगा कालीबंगा। और कालीबंगा जो है घग्घर नदी के किनारे है, बार बार पूछा जाता है, कालीबंगा घग्घर नदी के किनारे है, ठीक है। देखिए दो चीज़ में कन्फ्यूजन हो जाता है, कालीबंगा और लोथल भी देता है, तो लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे हो जाता है और कालीबंगा जो है घग्घर नदी के किनारे हो जाता है, ठीक है। तो कालीबंगा की अगर बात करें यहाँ पे, तो ये घग्घर नदी के किनारे हो जाएगा और इसका खोज 1953 में होता है, 1953 में होता है कालीबंगा का, और अमलाल नंद घोष इसका खोज करते हैं, जिसको ए घोष भी बोला जाता है, ठीक है। याद रखिएगा जो अभी हम आपको हड़प्पा सभ्यता में जितने भी इफेक्ट करा रहे हैं, आप उसको अच्छा से याद कर लीजिए, बढ़िया से याद कर लीजिए और बार बार रिवाइज करिए, और कम से कम आप एक बार किरण को पढ़ लीजिए और उसके बाद घटनाचक्र का जो भी किताबें हैं उसको पढ़ते चलिए, ताकि एक तरीके से आपका होता चला जाएगा, ठीक है। आज से आपका टोटल क्लास शायद, मतलब कोशिश रहेगा कि मिल जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हम लोग बात करें तो टोटल का टोटल हम लोग कंप्लीट करेंगे, समझिए कि 60-65 दिनों में हम सारा का सारा, आपका जितना भी सिलेबस हमने दिया था वो सारा का सारा सिलेबस आपको ख़त्म करने वाले हैं, ठीक है, हमारी टीम के द्वारा। और बात करें, हम लोग थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया है, तो थोड़ा सा एप्लीकेशन में प्रॉब्लम हो रहा है, तो आजकल 2-3 दिन में लगता है ठीक हो जाएगा, हम तुरंत आपको इसको, ये जो लिंक है हम, मतलब मेरा, हम आपको शेयर करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाता है आपको कालीबंगा। कालीबंगा की बात करें तो ये घग्घर नदी के किनारे है, याद रखिएगा, और इसकी खोज 1953 में किया गया था और अमलानंद घोष ने इसका क्या किया, इसका खोज किया था, किसका, तो कालीबंगा का, याद रखिएगा। अगर हम लोग बात करें तो कालीबंगा पूछा जा सकता है कहाँ पे है वर्तमान में, तो ये आपका क्षेत्र हो जाता है राजस्थान, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग करते हैं, वो हो जाता है हम लोग का नेक्स्ट, हो जाएगा वो, हो जाएगा लोथल, ठीक है, लोथल हो जाता है, याद रखिएगा। और लोथल की बात करें तो यह भोगवा नदी के किनारे है, ठीक है, किस नदी के किनारे है, तो लोथल जो है ये भोगवा नदी के किनारे है और 1955 से 63 में इसका खोज हुआ था, याद रखिएगा 1955 से लेकर के 63 के बीच में इसका खोज हुआ था, किसका, तो लोथल का होता है, याद रखिएगा। लोथल कहाँ पे, तो ये देखिए भोगवा नदी के किनारे हो जाता है लोथल, और एस्सार राव के द्वारा, देखिएगा एस्सार राव के द्वारा इसका खोज होता है, ठीक है, एकदम कंठस्थ याद कर लीजिए, 2-4 बार पढ़िएगा तो मुझे लगता है कि आपको याद हो जाएगा। तो लोथल की अगर बात किया जाए यहाँ पे, तो लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे है, दोनों बार बार पूछता है किसी भी एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में अगर बात करें तो दोनों बार बार पूछता है कालीबंगा किस नदी किनारे है, तो कालीबंगा कौन नदी हो जाएगा, घग्घर नदी हो जाता है। और लोथल की बात करें तो लोथल आपको भोगवा नदी के किनारे हो जाता है। अगर यहाँ पे बात करें तो 1953 से लेकर के 63 में इसको खोजा गया, एस्सार राव के द्वारा खोजा जाता है, याद रखिएगा, लोथल की बात हो जाती है। अगर लोथल की बात करें हम लोग, तो ये देखिए ये गुजरात में पड़ता है, याद रखिए कहाँ पे, गुजरात में अहमदाबाद में, ठीक है, इतना याद रहेगा। नेक्स्ट हम लोग करते हैं, वो हो जाता है हम लोग का, वो हो जाएगा आलमगीरपुर, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग करते हैं, वो हो जाएगा हम लोग का आलमगीरपुर हो जाता है, याद रखिएगा, आलमगीरपुर हो जाता है। पूछा जाएगा आलमगीरपुर किस नदी के किनारे है, तो याद रखिए यह हिंडन नदी के किनारे हो जाता है। कौन सा, आलमगीरपुर कहाँ पे है, ठीक है, तो आलमगीरपुर आपने देखा, एक बार और फिर से मैप आप देख लीजिएगा। अगर हम लोग बात करें तो पश्चिम में कौन सा हो जाता है, तो सुतकांगेडोर हो जाएगा। उत्तर की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, मांडा हो जाएगा। अगर दक्षिण की बात करें तो क्या हो जाएगा, दैमाबाद हो जाएगा। और पूरब की बात करें तो क्या हो जाएगा, आलमगीरपुर हो जाएगा। आलमगीरपुर होता है आपको हिंडन नदी के किनारे, याद रखिएगा आलमगीरपुर कहाँ पे, तो हिंडन नदी के किनारे होता है। और ये 1958 में इसका खोज किया गया था, कब, 1958 में इसका खोज किया गया था, किसका, आलमगीरपुर का, ठीक है। किसने खोजा था, तो यगदत्त शर्मा ने खोजा था, याद रखिएगा, ठीक है।
यज्ञदत्त शर्मा ने इसका खोज किया था, याद रखिए किसका, तो आलमगीरपुर का, याद रखिएगा। आलमगीरपुर की अगर बात की जाए तो ये उत्तर प्रदेश में है, कहाँ पे, तो मेरठ में, ठीक है, मेरठ के उत्तर प्रदेश में है, याद रखिएगा, ये भी यूपी में, ठीक है। एक दो पॉइंट और भी है, देख लीजिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो आलमगीरपुर जो है हिंडन नदी के किनारे है, इसका खोज अगर बात किया जाए तो 1958 में किया गया, और इसका खोज किया यज्ञदत्त शर्मा ने किया। अगर बात कर ले हम लोग तो सबसे पूर्वी छोर है, ये पूर्वी बिंदु है जो उत्तर प्रदेश के कहाँ पे, मेरठ पे मिलता है, ठीक है, याद रहेगा। चलिए अगला हम लोग देखते हैं, वो हो जाता है हम लोग का, ये हो जाएगा हम लोग का बनवाली, ठीक है। बनवाली अगर पूछा जाए कि बनवाली किस नदी के किनारे है, तो ये प्राचीन सरस्वती नदी के किनारे हो जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। कौन सा, तो प्राचीन सरस्वती नदी के किनारे है, प्राचीन सरस्वती नदी के किनारे है, कौन सा, तो बनावली हो जाता है, ठीक है। और अगर बात करें तो 1973 में इसका खोज किया गया था, कब किया गया था, तो बनावली का खोज 1973 में किया गया था, आर एस बिस्ट के द्वारा इसका खोज किया गया था, ठीक है, याद रखिएगा, आर एस बिस्ट के द्वारा खोज किया गया था। पूछा जा सकता है कि बनवाली का खोज किसने किया, तो आर एस बिस्ट ने किया, कब किया, 1973 में, और ये किस नदी के किनारे है, तो प्राचीन सरस्वती नदी के किनारे है, इसे याद रखिएगा। अगर हम लोग बात करें कि अवस्थिति की बात करें, तो ये देखिएगा, ये आपको हिसार में पड़ेगा, कहाँ पे, हिसार में, और हिसार कहाँ पे है, तो भारत हरियाणा में, याद रखिएगा, कहाँ पे, तो हरियाणा हो जाएगा, याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट कर लेते हैं, नेक्स्ट हमारा जो है वो हो जाता है आपका धौलाबीरा, क्या हो जाएगा, धौलाबीरा हो जाता है, और इसका खोज 1990-91 में किया जाता है, इसका खोज 1990-91 में किया जाता है, याद रखिएगा, 1990-91 में किया जाता है, ठीक है। धौलाबीरा का खोज कब किया जाता है, तो 1990-91 में खोज किया जाता है धौलाबीरा का, और ये आर एस विस्ट करते हैं, इसका खोज कौन करते हैं, तो याद रखिएगा, आर एस विस्ट के द्वारा इसका खोज किया जाता है, ठीक है, किसका, तो धौलाबीरा का हो जाता है, याद रखिएगा। और ये आपको गुजरात में पड़ेगा, कच्छ के रण में हो जाता है। अगर बात करें हम लोग यहाँ पे, तो कच्छ के रण में यह स्थित है, कहाँ पे, तो गुजरात में, याद रखिएगा, ठीक है। अगला हम लोग अगर देखेंगे यहाँ पे, इस तरह से तो बहुत सारा हो जाएगा, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है मैंने आपको कराया, ठीक है, अगर इतना देखेंगे तो इतना से भी आपका निश्चित 100% काम चल जाता है, बहुत हो गया। उसके बाद जो हम लोग दूसरा फैक्ट करेंगे, देखिए स्कोर अगर लाना है तो आपको इस तरह से मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि एक दो बार अगर लिख लेते हैं और उसको रिवाइज कर लेते हैं या ग्रुप में डिस्कस कर लेते हैं, तो आपको भी सारा का सारा याद रहेगा, ठीक है। तो जितना भी हड़प्पा सभ्यता हम कराएंगे, इससे बाहर एक भी सवाल पूछे नहीं जाएंगे, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता से बाहर बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा। अगर आप किरण गाइड को पढ़ लेते हैं, और दूसरा अगर आप घटना चक्र को अगर बना लेते हैं, तो एक भी सवाल नहीं पूछा जाएगा। जैसे मानते हैं कि अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो हिस्ट्री हम जो पढ़ा रहे हैं उसको साथ में आप चल सकते हैं, थोड़ा सा एडवांस भी अगर हम 2 घंटा 1 घंटा पढ़ाते हैं, तो कोशिश करिए कि 6 घंटा 7 घंटा आप पढ़ें। उसके बाद हमारे यहाँ से आपको पॉलिटी का क्लास चलेगा, उसके बाद साइंस का क्लास चलेगा, सब तो तीन सब्जेक्ट दिन भर में आपको दिया जाएगा, ठीक है। और तुरंत समझिए ना कि 1.5-2 महीने के अंदर में आपका टोटल का टोटल कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप मेरे साथ लगे रहते हैं तो आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी, ठीक है, एकदम कंप्लीट अच्छी तैयारी हो जाएगी, इसलिए आप साथ में जुड़िए, ठीक है। जैसे मानते हैं कि आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो हड़प्पा सभ्यता आज ख़त्म हो जाना चाहिए आपका, आज ख़त्म हो जाएगा, तो किरण गाइड से भी ख़त्म कर लीजिए, दो तीन बार जितना भी रिवाइज करना है उससे कर लीजिए, और घटना से एक बार बना लीजिए, ताकि आपको पता चले कि हाँ हमसे प्रश्न बन रहा है, हमने जो पढ़ा यहाँ पे उससे हमको प्रश्न आराम से मिल जा रहा है, ठीक है, ताकि आपका विश्वास जो है, यही विश्वास आपका हिम्मत और एनर्जी से भरपूर करेगा, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट कर लेते हैं, वो हो जाता है आयात की जाने वाली वस्तुएं, जो प्रश्न बार बार पूछा जाता है वहीं पे हम बात कर रहे हैं।
जितने भी हम लोगों ने साइट की बात किया, सात साइट की बात किया, इसके बाद हम लोग सात साइट के बारे में पढ़ेंगे जहां से प्रश्न 100% एकदम निश्चित तौर पे पूछा ही जाता है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले एक और भी बिंदु पे बात कर लेते हैं, आयात की जाने वाली वस्तुएं। ठीक है, आयात की जाने वाली क्या हो जाता है, वस्तुएं। ठीक है, कहाँ से होता है तो याद रखिए स्थल क्षेत्र भी हम लोग देख लेते हैं। स्थल क्षेत्र की बात करें तो यहाँ भी देख लेते हैं क्योंकि यहाँ से सवाल बहुत बार पूछा जाता है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो ये तांबा की बात करते हैं, पूछा जाता है। ठीक है, पूछा जाएगा आपसे कि तांबा कहाँ से आयात होते थे, और ये बहुत बार पूछा गया तांबा को लेकर के। ठीक है, याद रखिएगा तांबा का आयात पूछा जा सकता है, कहाँ से हो जाता है तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। तो तांबा क्या हो जाएगा, ये खेतड़ी से हो जाता है, याद रखिए कहाँ से, तो ये आपका खेतड़ी हो जाएगा, खेतड़ी से। खेतड़ी कहाँ पे है, अगर खेतड़ी की बात करें तो कहाँ पे हो जाता है, तो ये खेतड़ी आपको राजस्थान में है। ठीक है, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है आयात की जाने वाली वस्तुएं में आपसे पूछा जा सकता है कि हड़प्पा काल के समय में तांबा कहाँ से मंगाए जाते थे तांबा, तो याद रखिएगा ये खेतड़ी से हो जाता है, और खेतड़ी कहाँ पे है, राजस्थान में है। ठीक है, याद रखिएगा राजस्थान। एक और भी जगह आपको दे सकता है, एक बलूचिस्तान जो है, बलूचिस्तान से भी ये मंगाए जाते थे, याद रखिएगा। जो फैक्ट आपको, ज़्यादा फैक्ट हम नहीं करवाएंगे, लेकिन जितना भी फैक्ट हम कराएंगे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए, कम से कम एक बार अच्छे से कर लीजिए, गर्मी बहुत ज़्यादा है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं टीन का। ठीक है, पूछा जा सकता है कि टीन हड़प्पा में कहाँ से मंगाए जाते थे, तो याद रखिएगा ये टीन, तांबा, ठीक है, सोना, लाजवर्द, ये जो चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट है, बहुत बार बार पूछा जाता है। पूछा जा सकता है टीन का आयात कहाँ से होता था, तो याद रखिएगा यह मध्य एशिया से होता था। ठीक है, कहाँ से, तो ईरान से हो जाता है। ठीक है, ईरान से इसका आयात किया जाता था, और अफगानिस्तान से आयात किया जाता था। ठीक है, याद रखिएगा पूछा जा सकता है कि टीन का आयात कहाँ से होता था, कब की बात है, तो हड़प्पा काल के समय की बात है। टीन का आयात कहाँ से, तो ईरान और अफगानिस्तान हो जाएगा, याद रखिएगा। अगर नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, नेक्स्ट हम लोग बात करें देखिएगा, वो हो जाता है हम लोग का चांदी। चांदी पूछा जाता है कि चांदी कहाँ से आयात होता है, तो ये भी आपका ईरान और अफगानिस्तान हो जाएगा। कहाँ से, तो देखिए ये होता है आपका ईरान हो जाएगा, ठीक है, और ये आपका अफगानिस्तान हो जाएगा, यहाँ से इसका आयात किया जाता था। किसका, तो चांदी का हो जाता है। ठीक है, चांदी का ईरान और अफगानिस्तान हो जाता है। अगर बात कर ले हम लोग सोना का आयात कहाँ से होता था, तो यहाँ पर देख लीजिए ये आपका हो जाएगा सोना। अगर सोना की बात करें हम लोग यहाँ पे, तो देखिएगा यह दक्षिण भारत में होता है, दक्षिण भारत से होता था। ठीक है, दक्षिण भारत हो जाता है, याद रखिएगा कहाँ पे, सोना आपको दक्षिण भारत हो जाएगा, यानी कि कर्नाटक का क्षेत्र और फारस अफगानिस्तान का क्षेत्र हो जाता है। ठीक है, फारस और अफगानिस्तान का क्षेत्र होता है, यहाँ से सोना मंगाया जाता था, याद रखिएगा। ठीक है, सोना का आयात कहाँ से होता था, तो दक्षिण भारत की बात करें तो कर्नाटक से होता था। ठीक है, और ये फारस और अफगानिस्तान से भी होते थे, इसको याद रखिएगा। ठीक है, अगला हम लोग चलते हैं सोना के बाद, अगर बात करें हम लोग तो यहाँ पे देखिए लाजवर्द हो जाता है, क्या हो जाएगा, तो ये हो जाता है आपका लाजवर्द हो जाएगा, याद रखिएगा। तो लाजवर्द की अगर बात करें तो ये कहाँ से मंगाए जाते थे, तो ये देखिए अफगानिस्तान और मेसोपोटामिया हो जाता है, कहाँ से, तो अफगानिस्तान हो जाएगा और मेसोपोटामिया हो जाएगा, अफगानिस्तान हो जाता है, और बात करें तो यहाँ पे मेसोपोटामिया हो जाता है, यहाँ से ये मंगाए जाते थे। ठीक है, कौन सा, तो लाजवर्द हो जाता है। अगर बात करें हम लोग फिरोजा कहाँ से मंगाए जाते थे, फिरोजा की अगर बात करें तो कहाँ से मंगाए जाते थे, तो याद रखिएगा अगर हम लोग फिरोजा की बात करें यहाँ पे, फिरोजा का, तो ये आपको ईरान से मंगाए जाते थे, पूछा जाता है, फिरोजा भी पूछा हुआ है बहुत बार, पूछा जाएगा कि फिरोजा कहाँ से मंगाए जाते थे, तो ये ईरान हो जाता है आपका। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, नेक्स्ट अगर देखेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका सीसा,
शीशा कहाँ से आयात किए जाते थे? तो शीशा की अगर बात करें हम लोग यहाँ पे, तो शीशा देखिए ये राजस्थान, ईरान, दक्षिण भारत, ठीक है, कहाँ पे? तो राजस्थान आपका ईरान हो जाता है, दक्षिण भारत हो जाएगा और अफगानिस्तान हो जाता है, यहाँ से आयात किए जाते थे, ठीक है। शीशा का आयात किया जाता था राजस्थान से, ईरान से, दक्षिण भारत से और अफगानिस्तान से, याद रखिएगा। अगला हम लोग बात कर लेते हैं, वो हो जाता है शिलाजीत, जो शिलाजीत आज भी मिलता है और उस समय में भी आप देखते हैं हिमालय के क्षेत्र में आपको मिलेगा, हिमालयन क्षेत्र में, ठीक है। क्या हो जाता है? शिलाजीत। शिलाजीत कहाँ से मंगाए जाते थे? तो याद रखिएगा हिमालयन क्षेत्र से मंगाए जाते थे, ठीक है, हिमालयन क्षेत्र से मंगाए जाते थे। अगर नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, अगला बात करेंगे हम लोग सेल खड़ी का। सेल खड़ी का आयात कहाँ से होता था? तो ये देखिए राजस्थान, गुजरात हो जाएगा आपका, ठीक है, याद रखिएगा राजस्थान, गुजरात हो जाएगा और आपका बलूचिस्तान हो जाता है, राजस्थान हो जाएगा, गुजरात हो जाता है और आपका हो जाएगा बलूचिस्तान हो जाएगा, यहाँ से आपको क्या मंगाए जाते थे? तो सेल खड़ी मंगाए जाते थे, याद रखिएगा, ठीक है। और ये जितने भी फैक्ट आपको लिखाया जा रहा है आप कंप्लीट कर लीजिए, दरोगा एक सीट लेना है, थोड़ा सा मेहनत तो करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा हार्ड आपको वर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। हम लोग भी ऐसे ही याद कर लिए थे पढ़ते पढ़ते में, एकदम विदाउट टेंशन का पढ़िएगा तो सब याद हो जाएगा, ठीक है। हम लोग भी ऐसे ही याद किए थे जब हम लोग भी UPSC का तैयारी कर रहे थे, तो बहुत मुश्किल नहीं था, शुरू शुरू में थोड़ा सा हुआ, शुरू शुरू में तो मुश्किल नहीं होता, बाद में मुश्किल होने लगता है क्योंकि याद हो जाता है, लेकिन उसे याद करके रखना दिमाग में ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अगर आप लोग चाहेंगे कि अगर इसको बरकरार रखें, तो बरकरार के रखने के लिए जितने भी आपके साथी संगी हैं उनसे डिस्कस करिए, बात कर लीजिए, जब भी मिलिए तभी बोलिए कि भाई बताओ लाजवर्द कहाँ से मंगाए जाते थे, सोना कहाँ से मंगाए जाते थे, चांदी कहाँ से मंगाए जाते थे, ईरान कहाँ से मंगाए जाते थे, ठीक है। तो टीन की जो थी वो कहाँ से मंगाए जाते थे हड़प्पा में, हड़प्पा की खोज किसने किया था, कब किया था, ठीक है। और बहुत सारे चीज़ें हैं जो आप चाहें तो पूछ सकते हैं, इससे आपका भी रिवाइज होगा और साथ ही साथ आपके साथी संगियों का भी रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। तो ये तरीका होता है चीज़ों को दिमाग में रखने का, याद रखने का। थोड़ा सा और भी देख लेते हैं हम लोग, ठीक है, ये हो जाता है सेलखड़ी, हम लोगों ने देख लिया सेलखड़ी। अब देखते हैं हम लोग गोमेद, गोमेद पूछा जाता है कि गोमेद कहाँ से आयात किए जाते थे। अगर बात करें हम लोग यहाँ पे गोमेद का, तो देखिएगा ये जो गोमेद है, गोमेद की बात करें तो ये हो जाता है सौराष्ट्र से, सौराष्ट्र से इसको प्राप्त किया जाता था, जो सौराष्ट्र कहाँ पे है? गुजरात में, याद रखिएगा इसे सौराष्ट्र से प्राप्त किया जाता था, कहाँ पे है? तो ये हो जाता है आपको गुजरात में, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं, वो हो जाता है लाजवर्द, पूछा जाता है आपसे कि लाजवर्द कहाँ से प्राप्त होता था, तो यहाँ पे देखिएगा लाजवर्द की अगर बात कर दी जाए तो ये आपको कहाँ पे हो जाता है? मेसोपोटामिया हो जाएगा, ठीक है, मेसोपोटामिया हो जाता है आपका, क्या हो जाएगा? मेसोपोटामिया हो जाएगा, ठीक है। देखिए अगली वीडियो में हम कोशिश करते हैं कि फाइनल आपको दें, क्योंकि वहाँ पे जितना भी हम लोगों ने सात स्थल देखा है, ठीक है, हड़प्पा देखा, मोहनजोदड़ो देखा, लोथल देखा, कालीबंगा देखा, बनावली देखा, धौलावीरा वगैरह देखा, यहाँ से चन्हौदड़ो वगैरह से सवाल पूछे ही जाते हैं। इसके बाद आपको एकदम एक ही राउंड में कोशिश करेंगे सारा का सारा आपको फैक्ट आपको बता दें, यहाँ से एकदम कंप्लीट, एकदम ग्रांटेड सवाल पूछे ही जाते हैं, ठीक है। इसलिए आप अच्छा से किरण को जरूर पढ़िए, किरण पे पकड़ बना लीजिए ना, तो एक भी सवाल नहीं आपसे छूटेगा, बिल्कुल नहीं छूटने वाला है, एकदम ग्रांटेड है कि वहीं से आएगा। किरण बना लीजिए और साथ में घटना चक्र आप मेरे साथ करते चलिए। जैसे आपने अभी हड़प्पा सभ्यता पढ़ा, तो हड़प्पा सभ्यता को क्या करिए, किरण से पढ़ लीजिए, और किरण से पढ़ने के बाद आप मेरा क्लास देखिए, फिर उसके बाद आप नोट्स भी बना लिए, उसके बाद फिर घटना चक्र से जब आप पढ़ेंगे ना, तो आपको लगेगा सारा का सारा प्रश्न बन रहा है, ठीक है, सारा का सारा प्रश्न बन रहा है, तब आता है आत्मविश्वास कि वो अब तो कंप्लीट करेंगे। आपको स्कोर कम से कम 85+ करना है, याद रखिएगा, ठीक है, 85+ का टारगेट हम आपको यहाँ से करवाएंगे, ठीक है। तो चलिए अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं, ठीक है, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को।